Hello, Gia. सलाम अलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। मौसम बड़ा प्यारा है आज भी कराची का, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। तो आज हम लोग का प्रोग्राम है, एक इवेंट है, सोनी वाले करा रहे हैं उस इवेंट को। बेसिकली इवेंट जो है वो कंटेंट राइटिंग के ऊपर है कि वीडियोग्राफी में कंटेंट किस किस्म का बनाना चाहिए, और जिसको बेसिकली आज उस इवेंट में आएंगे हमारे मंसूर कुरैशी साहब। जी बिल्कुल, मंसूर कुरैशी साहब बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं उनका, आप जानते हैं आप। तो वो इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने और इवेंट को स्पॉन्सर किया है सोनी ने। तो हम लोग मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, अभी हम लोग हसन स्क्वायर पर मौजूद हैं और बारिश आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़े की हो रही है। भाइयों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, और अभी हम हसन स्क्वायर में मौजूद हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको लेके जाऊंगा अपने साथ माधर, बहुत बड़े बड़े बम्प हो गए हैं रोड्स के ऊपर, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लेके जाऊंगा, और आज हमारा क्रिएटिव राइटिंग का जो कोर्स है उस उधर ही जा रहे हैं हम, और इल्म के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको देने वाला हूँ एक सरप्राइज़, मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ गाड़ी में कौन मौजूद है आपको पता है? फैशन फन ग्रुप तो आपने ज्वाइन किया हुआ होगा यूट्यूब पे, तो उसके फैजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान साहब कैसे हैं आप, खैरियत से ठीक हैं आप? जी भाई, अल्लाह का करम है महरूज भाई, आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा कैमरा अपने पास भी कर ले, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि इस बारिश में आप तो सिर्फ गाड़ी चला सकता हूँ, या फिर जो है आप गाड़ी पे फोकस करें, इसको टू भी कंटिन्यू करते हैं। चले ठीक है, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अरे मेरे भाई, ये हम कहाँ आ गए, ये क्या हालात हो गए हैं कराची के, क्या रोड के हालात हो गए हैं। फैजान भाई आप कुछ कहेंगे इस पे? हल तो सिर्फ जमात इस्लामी भाई, हल सिर्फ जमात इस्लामी है, मेयर हमारा कराची से होगा इस बार, हाफिज नईमुर रहमान को आप सबने वोट दे रहे हैं, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा हाँ, जो अहम बात करनी थी ना, वो बात ये कि जिसकी वजह से महरोज ने बोला था कि फैजान भाई बात करेंगे, तो फैजान भाई आपको जो बात बता रहे हैं ना वो बहुत गौर से सुननी है। ये मैं जो है ना वो आपको कोटेशन बता रहा हूँ, कोटेशन ये है कि आप अगले 5 साल में आप क्या होंगे, तो ये इस पर डिपेंड करता है आप किन लोगों से मिलते हैं और कौन सी बुक्स रीड करते हैं। तो आज हम एक मीटअप में जा रहे हैं, और वो मीटअप है कॉन्टेंट क्रिएटर्स का, नॉट व्लॉगर्स, कॉन्टेंट क्रिएटर्स का वो मीटअप है, और उस मीटअप में जो है वो कंटेंट क्रिएशन पे बात होगी, तो मैं उसका जो है वो चीफ गेस्ट हूँ। अरे भैया बहुत ज्यादा फेंक दिए, इतना लंबा फेंक दिए, हम नहीं है भैया उसके चीफ गेस्ट, हम नहीं है, मेहरोज भैया हमारे साथ, और हम जा रहे हैं ट्रेनिंग लेने, ठीक है, हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं और कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात होगी वहां पे जाके, तो सीखेंगे कुछ, कंटेंट क्रिएटर से जब मिलेंगे तो हम भी एक अच्छा कंटेंट बनाएंगे, और जब हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे। इल्म हासिल करना है, इल्म हासिल करना जिहाद है, और हम जिहाद में किस तरह जिहाद कर रहे हैं, और हम आपको, हम मुजाहिद हैं, अभी पिन खींचेंगे धमाका है। कराची की हालत ये देखो भाई, देख लो, देखो भाई मसला ये है कि ये गाड़ी हो ना तो कराची में आप घूम सकते हो, इसके अलावा छोटी मोटी गाड़ियों का जो है ना वो काम नहीं है। आज हफ्ते के दिन भी इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है, मतलब आप तस्वीर नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना भाई। ये बात तो सही है भाई। चले जी, टू बी कंटिन्यूड, हम करते हैं ड्राइविंग, मिलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं KSBL, और इवेंट हमारा यहीं पर ही है, भैया जी कैसा फील कर रहे हैं? दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। आपको हैंड पिक किए हैं कराची माइंस वाले, बता रहे हैं। पार्किंग में आ गए हम, वहाँ पहुंची गए हैं KSBL, KSBL पहुंच गए हम, और हमको दूर बैठना है, समझ गए? आपको एसी से दूर बैठना है। और हमारी बेगम ने किसी और से दूर रहने को कहा, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? अच्छा समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं।
मेरा जो असल मुद्दा है ना वो ये कि जब शौक है ना तो उसको प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैं मैक्सिमम जो आप लोगों को गाइडेंस दे सकूं। और दूसरा आमिर भाई मेरे साथ हैं, आमिर भाई सबको पता है कराची में ऐसे कंटेंट हेड हैं, जितना भी आप कंटेंट देखते हैं वो आमिर भाई उसको ज्यादा। Longer than a few minutes later. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। दूसरी चीज ये आपका प्लान जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे पास व्यूज नहीं आ रहे। आप सबसे पहले सब तक का बेंचमार्क सबसे दूर का सेट करें 6 से 8 महीने का। क्या 6 से 8 महीने के लिए काम करना है कंसिस्टेंसी से, उसके बाद आपको एनालाइज करूंगा कि मैंने अपना 100% अचीव किया है, 20% किया है, 30% किया है, क्या मैं 6 महीने बाद 1,000 कमाने के काबिल हो गया हूँ, या कैसे गोल सेट होते हैं। 2 महीने वीडियो करने के बाद आते हैं आप अपने जो है शाउट आउट दे दें, मेरे शॉर्ट आउट से कुछ नहीं होगा, मेरे शॉर्ट आउट से लोग थोड़ी वीडियो आगे देखेंगे, तुम्हारी लोग देखेंगे कि तुम्हारा अपना प्लान क्या, तुम क्या करना चाह रहे हो। बहुत सारे लड़के अभी हमारे पास तो बहुत ज्यादा ऑडियंस है, जो उर्दू में करते हैं, हमारे पास इंडिया के ऑडियंस है। हमें ऐड नहीं बनाना, हमें दिखाना है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से लाइफ में यूज हो सकता है, ठीक है। और हम कॉन्टेंट बनाते हैं लाइफ से रिलेटेड, सारे इनसाइट पे होता है। मैं जितना भी कॉन्टेंट बनाता हूँ वो होता है कि मेरी आपकी मेरी बहन की मेरे वाले साहब है, या मैं जिन लोगों का वो भी यही था काम, हमारा भी यही है काम, डीजेस वाले भी यही कर रहे हैं काम, बेकार वाले भी यही कर रहे हैं। मैं अपनी सेम कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन तीनों का एक स्टाइल अलग है, आप समझ रहे हैं। वो चीजें जो आपको डिफरेंशिएट करती है कि ब्रांड बोलता है मुझे बेकार की बात जाकर मार्केटिंग करवानी है या लगवाना है, तो वो एलिमेंट आपने ढूंढना है। हाँ जी, सेशन खत्म हो चुका है, पीछे चल रही है सेल्फी। सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी फ़ायदेमंद था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी वो ये थी कि जो क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन था उसके अंदर, उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई, कंटेंट राइटिंग के हवाले से, वीडियो एडिटिंग के हवाले से, वीडियोग्राफी के हवाले से, कौन से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए, किस किस्म का कैमरा इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ भाई फैजान भाई, क्या सीखा भैया? बहुत सीखे हम, सीख के फिर हम पता है क्या किए, हमारा कमर दर्द कर गया, दो टुकड़ा हो गया।